नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और बिंदास खतरनाक वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में थारा भाई आ गया है OB43 अपडेट एडवांस सर्वर की मजेदार फैंटास्टिक जानकारी लेकर के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी सर का थाला कैरेक्टर गेम में कैसे दिखने वाले हैं, उसका लुक निकल कर आ चुका है। हाँ। हमारे गेम में जितने भी कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर की अपनी आवाज में उनका एक डायलॉग है। I love feeling the wind in my hair. सेम उसी तरह से थाला कैरेक्टर गेम में क्या क्या बोलने वाले हैं, उसका साउंड या डायलॉग बोल सकते हैं, वो क्या क्या है वो भी निकल कर आ चुका है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ग्रेट थिंग्स कम फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग्स, आई एम द बेयर हैंडेड वंडर। लेकिन थाला कैरेक्टर की एबिलिटी गेम में क्या होने वाली है किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ थाला कैरेक्टर की एबिलिटी क्या होने वाली है, फ्री फायर इंडिया कब आने वाला है, फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड जो भी जानकारी है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, OB43 अपडेट के बाद हमारे गेम में कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं, जैसे कि फ्री फायर में किंग बनने के क्या क्या बेनिफिट नुकसान होने वाले हैं, राइट हैंड कैरेक्टर की एबिलिटी क्या होने वाली है, तत्सुय कैरेक्टर की एबिलिटी में कितना बदलाव किया गया है और भी बहुत सारे चेंजेस बताने वाला हूं। हमारे गेम में आने वाले अपकमिंग इवेंट अपडेट, फ्री फायर की मस्त वाली मीम, आप लोगों के फनी कमेंट, बोले तो ये वाला वीडियो बहुत ही चुम्मेश्वरी मजेदार लापचिक ढिंक चिका होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। आइए आओ यार, सबसे पहले अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि OB43 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं। तो पहला चेंजेस ये है कि OB43 अपडेट के बाद राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। जी हाँ दोस्तों, OB43 अपडेट के बाद हम लोग फ्री फायर के किंग बनने वाले हैं। तो ये किंग वाला सिस्टम कैसे काम करने वाला है, चलो सारी जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अपडेट के बाद जैसे ही हम लोग प्लेन में जाएंगे, यहाँ पर एक पॉपअप आएगा कि जो भी पहला प्लेयर गेम में 4 इनिमीज को मारेगा वो फ्री फायर में इस गेम का किंग बन जाएगा। किंग बनने के क्या क्या फायदे और नुकसान है, चलो अब मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। तो फायदा नंबर पहला ये है कि ये देखो अभी मेरे 3 किल है, जैसे ही मैंने चौथे इनिमी को मारा मुझे इंस्टेंटली 1000 FF कॉइन मिल गए और मेरे सर पर ताज लग गया। दूसरा फायदा ये होगा कि किंग बनने के बाद जब भी हम किसी एनिमी को मारेंगे तब हमें एक्स्ट्रा 200 FF कॉइंस मिलने वाले हैं। तीसरा फायदा ये होने वाला है कि जिस भी लोकेशन से एनिमी को हम मारेंगे उस लोकेशन से 150 मीटर दूर जितने भी एनिमी रहेंगे उनकी लोकेशन हमें पता चल जाएगी। लेकिन इन सब में एक नुकसान ये भी है कि हमारी लोकेशन पूरे मैप में 8 सेकंड के लिए पता चलेगी। अगर किसी दूसरे एनिमी ने हमारी लोकेशन देख लिया और हमें आकर के मार दिया तब वो हमें मार करके खुद किंग बन जाएगा, मतलब कि अगर कोई किंग है अगर हम उसे मार देते हैं तो तब हम किंग बन जाएंगे। और लास्ट फायदा यह है कि अगर आप रैंक गेम में एक भी बार किंग बने हो तब आपको और आपके टीममेट को किंग बोनस पॉइंट मिलेगा। इस तरह से अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। क्योंकि अगर आप किंग बनोगे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे लेकिन आपकी लोकेशन रिवील हो सकती है। गाइस, अब हमारी दूसरी अपडेट है व्हीकल से रिलेटेड, क्योंकि व्हीकल में फ्री फायर वाले बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं। तो व्हीकल का चेंजेस नंबर पहला ये है कि ये ब्लू कलर का मिनी ट्रक रहता है ना, इसमें अब से 4 प्लेयर बैठ सकते हैं, 2 प्लेयर आगे बैठेंगे और 2 प्लेयर इस टाइप से पीछे बैठने वाले हैं जो देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगेगा। व्हीकल का चेंजेस नंबर दूसरा ये है कि ये वाले वेंडिंग मशीन में हमें 2 चिप देखने मिलेगी, बेस स्टेशन चिप और रडार चिप। इन दोनों का प्राइस 100-100 रहने वाला है, एक बार में एक ही चिप का यूज हम कर सकते हैं। जैसे रडार चिप को परचेस करके यूज करेंगे हम लोग और जब भी व्हीकल चलाएंगे तो व्हीकल के चारों ओर जितने भी एनिमी रहेंगे ना उसके आसपास उनकी लोकेशन रिवील हो जाएगी। बेस्टियन चिप का फायदा ये होने वाला है कि जब भी हम इसे परचेस करके यूज करेंगे और जब भी किसी व्हीकल में बैठेंगे तो उस व्हीकल के चारों ओर एक व्हाइट कलर की शील्ड बन जाएगी। शील्ड लगने से ये फायदा होगा कि व्हीकल की HP बढ़ जाएगी, अगर कोई एनिमी हमारी व्हीकल को डैमेज भी देगा तब उसे ज्यादा डैमेज नहीं लगेगा। व्हीकल में तीसरा चेंजेस ये है कि जो टुकटुक है उसकी स्पीड को बढ़ाने वाले हैं, उसकी ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस को अच्छा करने वाले हैं, मतलब कि जल्दी आजू बाजू मुड़ेगी और उसकी HP को भी बढ़ाने वाले हैं। तो यार देखिए ना, इस तरह से फ्री फायर वाले व्हीकल के बेसिक एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइजेशन करने वाले हैं। कैसी लगी ये वाली अपडेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला एपिसोड
दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, क्योंकि इस वाले वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो गाइस। दोस्तों अब मैं आप लोगों को जो तीसरा चेंजेस बताने वाला हूँ ना, वो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। क्योंकि क्या होता है, गेम खेलते खेलते हमारे टीममेट के नाम जो उनके सर पर आते हैं ना, वो हमें गेम खेलने के दौरान कई बार डिस्टर्ब करते हैं। तो फ्री फायर वालों ने इस चीज को समझा, तो अपडेट के बाद नाम छुपाने के लिए एक नई सेटिंग आने वाली है। उसके लिए हमें सेटिंग पर क्लिक करना है। कंट्रोल्स में विजुअल में सबसे नीचे हमें टीममेट निकनेम करके एक नई सेटिंग देखने मिलेगी। वहां पर हाइड और डिस्प्ले करके एक ऑप्शन है। अगर डिस्प्ले करेंगे तो हमारे टीममेट का नाम और उसका कितना नंबर है वो उसके सर पर दिखाएगा। अगर हाइट करेंगे तो सिर्फ नंबर दिखाएगा, वो कितने नंबर पर है, 1, 2, 3, 4, उसका नाम नहीं दिखाएगा। तो ये वाला अपडेट OB43 अपडेट के बाद आने वाला है। कैसा लगा ये वाला चेंजेस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मजा आया। वेल गाइस, अब मैं आपको हमारे गेम में आने वाले अपकमिंग फ्री एंड पेड इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो ये देखो, 8 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक हमारे गेम में बुया एंड विन का एक मिशन आने वाला है, जिसमें बुया करने पर हमें ये वाला फीमेल का बंडल फ्री में मिलेगा, साथ ही में एक ग्रेनेड की स्किन मिलने वाली है। बाकी 8 जनवरी को इमोट रॉयल आने वाला है और 9 जनवरी को नया वाला टॉप अप इवेंट आने वाला है। और हाँ दोस्तों, ऐसी भी लीक मिली है कि इमोट रॉयल जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में ब्रेक डांसर बंडल का रॉयल वाला इवेंट आएगा, क्योंकि ब्रेक डांसर बंडल का रॉयल इवेंट कंफर्म हो ही गया था, बस उसके इवेंट को आगे पोस्टपोन किया गया है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वेल गाइस, अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि OB43 अपडेट के बाद गेम में कैरेक्टर की एबिलिटी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो तस्वीर कैरेक्टर की एबिलिटी को डाउन किया गया है। पहले हम 45 सेकंड में 3 बार रैपिड स्पीड से भाग सकते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ही बार भाग पाएंगे, मतलब कि 1 बार कम भाग पाएंगे, ये वाला चेंजेस होने वाला है। क्रोनो कैरेक्टर का पहले कूल डाउन टाइम 110 सेकंड था, लेकिन अब 75 सेकंड कर दिया गया है। और ऐसा भी सुनने मिला है कि क्रोनो कैरेक्टर की स्किल स्किन भी OB43 अपडेट के बाद आने वाली है। A few moments later. गाइस, अब मैं आपको राइडेन कैरेक्टर की एबिलिटी को गेम में टेस्ट करके बताने वाला हूं, क्योंकि अपडेट के बाद ये वाला कैरेक्टर हमें फ्री में मिलेगा। तो ये वाले कैरेक्टर की एबिलिटी को गेम में जैसे ही ले जाएंगे और इसकी एबिलिटी पर क्लिक करेंगे, जिस दिशा में राइडेन कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करेंगे उस दिशा में एक स्पाइडर जाएगा, और स्पाइडर 5 मीटर की रेंज में कोई भी बंदा उसे सबसे पहले देखेगा, उस बंदे पर जाकर के अपना जाला चिपका देगा और उस बंदे की 80% मूवमेंट स्पीड कम हो जाएगी। साथ ही बंदे को 10-10 करके डैमेज पड़ेगा 4 सेकंड तक, मतलब कि टोटल 40 का डैमेज पड़ने वाला है। और राइडेन कैरेक्टर का कूल डाउन टाइम 75 सेकंड रहेगा। दोस्तों राइडेन कैरेक्टर की एबिलिटी टेस्ट करते समय मुझे एक और चीज समझ में आई। ये देखो, बंदा खिड़की के पीछे है। जैसे मैंने राइडेन कैरेक्टर की एबिलिटी पर क्लिक किया, मेरा स्पाइडर गया, और जैसे स्पाइडर को बंदा दिखा, स्पाइडर ने डायरेक्टली उसके ऊपर जंप किया और उसको चिपका दिया और 40 का डैमेज भी दे दिया। और मान लो आपके पास राइडेन कैरेक्टर नहीं है, आगे वाले के पास है, और उसने जैसे स्पाइडर आपके ऊपर छोड़ा, तब वो स्पाइडर आपको रेड कलर का दिखाई देगा। अगर आपने उस स्पाइडर को मारा नहीं, तब वो स्पाइडर आपको आकर के चिपका देगा और आपको 40 का डैमेज दे करके जाएगा। लेकिन अगर आपने स्पाइडर को मार दिया, उसको डैमेज दे दिया कुछ, तब वो स्पाइडर ऑटोमेटिकली फूट जाएगा। और राइडेन कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करते समय ऐसी भी सिचुएशन आएगी जहां पर इनेमी थोड़ा हाइट पर रहेगा, तो हाइट पर स्पाइडर तो जा नहीं सकता। तब ऐसी सिचुएशन में जैसे ही स्पाइडर को इनेमी दिखेगा, स्पाइडर डायरेक्टली इनेमी के ऊपर जंप करेगा और उसे लॉक कर देगा, मतलब कि अपने जाला से चिपका देगा और 40 का डैमेज भी दे देगा। तो देखिए ना, इस तरह से राइडेन कैरेक्टर की एबिलिटी होने वाली है। अपडेट के बाद जब ये वाला कैरेक्टर फ्री में मिलता रहेगा, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे ये वाला कैरेक्टर फ्री में मिल रहा है। गाइस, अब हम बात करेंगे फ्री फायर इंडिया की प्लस थाला कैरेक्टर की। तो ये देखो, OB43 का अपडेट जो आने वाला है ना, उसमें गेम की फाइल में इंडियन आर्मी की थीम पर ये वाली डिजाइन की गई टी शर्ट की स्किन मिली है। तो ये वाली टी शर्ट की स्किन हमारे गेम में आने वाली है, जो कि फ्री में मिलेगी। और इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ये वाली टी शर्ट की स्किन तब आएगी जब इंडिया में फ्री फायर इंडिया आएगा, मतलब कि फ्री फायर इंडिया बहुत जल्द आने वाला है। उसकी एक हिंट ये टी शर्ट की स्किन है, यही समझ सकते हैं अभी हम। तो मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। रही बात महेंद्र सिंह धोनी सर के थाला कैरेक्टर की, तो थाला कैरेक्टर का लुक रिवील हो चुका है, वॉइस रिवील हो चुकी है, बस ये पता नहीं चला है कि इसकी एबिलिटी क्या होने वाली है। और एबिलिटी हमें पता चलने वाली है 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी को OB43 का अपडेट आएगा। गेम की फाइल में थाला कैरेक्टर की एबिलिटी ऐड कर दी जाएगी, तब जैसी मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन लीक ऐसी मिली है कि जिस तरीके से एडम कैरेक्टर की एबिलिटी है वैसी होने वाली है, उसमें एक आध एक्स्ट्रा एबिलिटी और जोड़ सकते हैं, मतलब कि ऐसा कुछ होने वाला है। पर ये वाली जानकारी आधी अधूरी है, और आधी अधूरी जानकारी डेंजरस होती है, तो मैं आप लोगों को अभी कंफर्मेशन के साथ तो नहीं बता सकता, लेकिन जैसी 24 तारीख को रिवील हो जाएगा, मुझे पता चलेगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा।
चलो आओ यार, अब मैं आपके दिल को गार्डन गार्डन करवाने के लिए आपके फनी कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। तो ये देखो, स्टडी फॉर यू जोन ने कमेंट किए हैं, भाई आपकी वाइफ है, हाँ हाँ, और इस पर 262 लाइक्स भी है। और नीचे रिप्लाई में मैंने भी अपनी सेकंड आईडी से इसमें रिप्लाई किया हूँ, है तो लाओ जल्दी से, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अंकित गेमिंग ने कमेंट किए, मेरे लिए भी ले आना, हाँ यहाँ पर भंडारा चल रहा है वाइफ का। ड्रीम गर्ल ने कमेंट किया है कि 5 है, वाह इतना सुकून मुझे। हेम सागर FF ने कमेंट किए हैं, आज मेरा बर्थडे है, कौन कौन विश करेगा मुझे। तो भाई को मेरा रिप्लाई है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यार इस वाले वीडियो में भी फनी कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में फिर से पिक करूंगा। तो यार बस मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा।